नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। इस समय हर व्यक्ति के दिमाग में तालिबान छाया हुआ है। कोई भी घटना हो, उसको घटना को तालिबान से जोड़कर देखा जा सकता है। तालिबान का सीधा सा अर्थ लोगों के समझ में आ रहा है, क्रूरता। जी हाँ, बात क्रूरता की जाए तो रीवा के ट्रांसपोर्ट नगर में आज एक दिल को दहला देने वाले घटना घटी। असद खान, जो पेशे से पेंटर है, गाड़ियों में पेंटिंग का काम करता है, पिछले कई दिनों से ट्रांसपोर्ट नगर में बैटरियां चोरी हो रही थी। बैटरियां चोरी के इल्जाम में असद खान को कुछ लोगों ने पकड़ा और जमकर पीटा। इस बुरी तरीके से उसकी पिटाई हुई, आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे जिस तरीके से असद खान की पिटाई, उसे मानवीय दृश्य कतई सही नहीं कहा जा सकता। पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है, दो लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, दो लोग फरार हैं, उनकी भी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस घटना को देखकर लगता है निश्चित रूप से अगर इस घटना को तालिबान से जोड़ा जा रहा तो कतई गलत नहीं है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने में आती, आज वो घटना रीवा में देखने में आई। इस बारे में हमने वीडियो तो आपको दिखाया ही, एक बार मैं वीडियो आपको फिर से दिखाता हूँ। साथ ही आपको इस मामले में पुलिस अधीक्षक से जब पत्रकारों ने बातचीत की तो उनका क्या कहना था, उसके बारे में आपको बताएंगे। बैटरी चोरी की शंका में, कल के दिनांक की बात है, बैटरी चोरी की शंका में जो है नीलकंठ जो है ये इसके पास आया, अरशद कमाल के पास, पेंटिंग का काम करता है ये ट्रांसपोर्ट नगर में। तब वो बोला कि तू ही बैटरी मेरी चोरी किया है, तू ही चोरी करवाता है करता है। इसी से शंका पर उसको पकड़े और कार में लेके जो है बैठा लिए, है ना। और कार में बैठा के बाद फिर उसके बाद जो है इस नीलकंठ के साथ में दानिश, अनुज और कुलदीप सब मिलके इसके साथ में बेल्ट से मार्केट काफ़ी मतलब किए हैं, जिससे उसको प्राण घातक छोटे हैं। वो कल रिपोर्ट नहीं कर पाया था, डर के मारे नहीं आया था, आज रिपोर्ट किए हैं। और रिपोर्ट करने पर ऐसे नीलकंठ, दानिश, अनुज और कुलदीप के खिलाफ जो है 307 और 342, है ना, 334 IPC की अपराध का धारा, मतलब अपराध का जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और दो मुलजिम जो है अरेस्ट, मतलब राउंड अप कर लिए गए हैं, दो और बाकी हैं, उनका भी पुलिस पता कर रही है। सर, लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ऐसा मोबाइल का युग है, कुछ किसी भी प्रकार का वीडियो आ सकता है, मारपीट का भी आ सकता है, कोई भी किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो मीडिया एक अच्छा माध्यम है जिससे लोगों को पता चल जाता है, इस तरह से पुलिस को भी पता चल जाता है। तो पुलिस सक्रियता, अभी मान लीजिए अगर वीडियो नहीं होता तो पुलिस को भी नहीं पता चलता, आम जनता को भी पता नहीं चलता। तो इससे घटना की जानकारी तत्काल लोगों को पता चल जाता है, पुलिस को भी जानकारी लेती है, इससे तत्परता से कार्रवाई हो जाती है। पूरा मामला जो है, एक व्यक्ति को बैटरी चोरी का आरोप लगाकर दो लोगों ने मारा, दो लोग तमाशाई बने हुए थे और उसका वीडियो संज्ञान में आया। और संज्ञान में आने के बाद अब पुलिस ने स्वतः पहल करके फरियादी को ढूंढा जिसके साथ मारपीट हुई थी। फिर हमने उसकी तरफ से 307 का एक अपराध पंजीबद्ध किया है। जो मारपीट करने वाले दो मुख्य आरोपी हैं, दानिश और कुलदीप, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शेष दो आरोपी जो मौके पर मौजूद थे उनकी तलाश जारी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का प्रयास करेगा तो हमने निर्णय लिया है कि हर इस तरह की घटना जो समाज में दहशत फैलाने के लिए की जाती है, समाज की व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए की जाती है, ऐसी हर घटना पे हत्या के प्रयास का मामला कायम किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति इसमें जानबूझकर मारपीट करने का, मारपीट करके घेर के मारपीट करना और वीडियो वायरल पर्पजली बनाएगा कि इसको हमें दहशत फैलाना है, ऐसे वीडियो बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ जो खड़े हुए थे, कई लोग दावती बने हुए थे और कोई बचाव भी नहीं कर रहा था, ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई? ऐसे लोग या तो गवाह बनेंगे, नहीं तो उनको भी हम आरोपी बनाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और एक चीज़ और बता दें, ऐसे सभी आरोपियों के खिलाफ हम जिला बदर पेश करने जा रहे हैं।